मेघालय में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो गया है। मेघालय में अगली सरकार बीजेपी गठबंधन एनपीपी के नेतृत्व वाली होगी। पार्टी के चीफ कोनराड संगमा अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी HSPDP और PDP का समर्थन मिला है। कोनराड ने गवर्नर गंगा प्रसाद से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है, साथ ही 34 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। 6 मार्च को कोनराड संगमा शपथ लेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 3 राज्यों में चुनाव परिणाम आने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। त्रिपुरा में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, जबकि नागालैंड में बीजेपी NDPP गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। गठबंधन ने राज्यपाल PB आचार्य से मिलकर 32 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। यूपी की 2 लोकसभा सीट के उपचुनाव में बीजेपी को चुनौती देने के लिए 25 साल बाद SP और BSP ने हाथ मिलाया है। इस ऐलान के बाद BSP चीफ मायावती ने कहा कि ये गठबंधन अभी के उपचुनाव के लिए है। 2019 आम चुनाव को लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। अगर हम साथ आएंगे तो सबसे पहले मीडिया को बताएंगे। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के टुमकुरु में यूथ पावर कन्वेंशन में युवाओं से अपने विचार साझा किए। प्रोग्राम में युवाओं की ताकत बताते हुए PM ने कहा कि उन्हें युवाओं से हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए वो हमेशा ही युवाओं से बात करने के लिए बेसब्र रहते हैं। इसके अलावा मोदी ने नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में पार्टी के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर कहा कि कट्टरता का अंत सिर्फ एकता से ही हो सकता है। CBI INX मीडिया प्राइवेट लिमिटेड करप्शन केस के आरोपी कार्ति चिदंबरम को लेकर मुंबई पहुंची। यहां INX के पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी के साथ आमने सामने बैठा कर पूछताछ की गई। इस दौरान कार्ति ने कहा है कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित हैं। दुबई में हुई श्रीदेवी की मौत पर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि श्रीदेवी का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा तो मुंबई पुलिस ने श्रीदेवी का पोस्टमार्टम कराने से मना क्यों कर दिया। इसके पहले भी स्वामी ने दुबई में श्रीदेवी की हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि वो शराब नहीं बियर पीती थी, उनकी हत्या हुई। अभिनेत्री श्रीदेवी के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने दुख जताते हुए कहा कि हम उन्हें देखते हुए बड़े हुए हैं और अचानक ये पता चलना कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं, इस पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तान में एक हिंदू दलित महिला कृष्णा कुमारी कोहली अपर हाउस के चुनाव के बाद मुस्लिम बहुल देश में पहली हिंदू महिला सीनेटर बनी हैं। कृष्णा कुमारी को सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की तरफ से पाकिस्तान के सिंध प्रांत में थार से चुना गया है। आप सुन रहे थे दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ।